ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ජේතවන් බිහාර් මේ जो सावत्ती में था उसमें एक बड़े कमाल की घटना घटी। यह है कथा गाथा नंबर 76 या 76 धम्पद पंडित वग्गो। वहां राध नाम का एक व्यक्ति था बूढ़ा। ये राध नाम का जो बूढ़ा व्यक्ति था ये बड़े कमाल का था। ये भिक्कों की बड़ी सेवा करता था, बड़ा समझदार था और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। भिक्कुओं को उसकी सेवा बड़ी पसंद आती थी मगर भिक्कु उससे सारे चिढ़ते भी थे। कारण क्या था कि वो विनय के नियम जानता था, वो सीखता रहता था भगवान क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं सभा में। तो भिक्कु अगर कोई गलत काम करता था या विनय के विपरीत करता था तो वो उसको टोक देता था। भिक्कुओं को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि ये ना सामने रहे ना ये भिक्कु है और ये हमें उपासक होते हुए टोक देता है। कई बार उसने धम्म सीखने की पवज्जा लेने की भिक्कुओं से अपील की कि मुझे धम्म में शामिल कर लो, भिक्कु बना लो, मगर भिक्कु इसलिए कि ये टोकटाकी ज्यादा करता है उसको पवज्जा नहीं किया और ना ही उसको पवज्जा दी। मगर वो भी अपनी इस बात से बाहर नहीं आया कि जब भी कोई भिक्कु कोई कमी करता था वो फौरन उसको बोल देता था, चाहे भिक्कु बनाओ या ना बनाओ, पवज्जा बनाओ ना बनाओ, वो अपना काम करता रहता था। एक तरह से निंदक कह सकते हैं या एक तरह से क्रिटिक बोल सकते हैं, वो क्रिटिसाइज करता था, क्रिटिक था। एक बार भगवान बुद्ध की उस पर निगाह पड़ी और उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है तो उसे अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद में उससे कहा कि तुम पवज्जा क्यों नहीं ले रहे हो, तो उसने कहा मैंने कई बार पवज्जा के लिए कहा, कोई देता नहीं है भगवान। तो उन्होंने सारी पुत्र को बुलाया, कहा कि पवज्जा क्यों नहीं दी, पवज्जा दो। पवज्जा का आदेश हुआ, पवज्जा दी। पवज्जा देने से पूछा कि पवज्जा देने का कारण क्या नहीं था, तो पता चला कि ये गलत बात पे विनय की बात पे टोक देता है इसलिए भिक्कु से कतराते हैं। तो भगवान बुद्ध ने तब ये गाथा कही और ये गाथा बाद में कबीर साहब ने भी कही है, जो संत कबीर हैं उन्होंने भी कही है। संत कबीर साहब की गाथा बहुत फेमस है और ये जो पाली की धम्म की 76 नंबर की गाथा है ये सेम वही गाथा है। आप समझिए कि कितना अंतराल है, मगर जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो भी संत आएंगे, जो भी संत होंगे और जो भी सच बात बताएंगे वो यही बात बताएंगे जो मैंने बोली है या जो मुझसे पहले जितने भी संत आए उन्होंने भी, यानी जितने भी दुनिया में सच्चाई बताने वाले होंगे संत होंगे वो एक ही बात कहेंगे। जो बात भगवान बुद्ध ने कही है वही बात होगी। शब्द बदल सकते हैं, भाषा बदल सकती है, लिपि बदल सकती है, बात का सार नहीं बदलेगा। तरीका बदल सकता है, एग्जाम्पल बदल सकता है, कथा बदल सकती है, जो उसका संदर्भ है वो बदल सकता है, मगर सार नहीं बदलेगा। क्योंकि जब तक मनुष्य रहेगा उसके कल्याण की एक ही भाषा, एक ही बोली, एक ही तरीका, एक ही चीज है, एक ही एडजस्ट निकलता है, एक ही जूस निकलता है, एक ही सार है। ये बिल्कुल 100% सच बात है। इसलिए ये गाथा और कबीर की गाथा दोनों बिल्कुल मैच करती हैं और ऐसी सैकड़ों गाथा मैच करती हैं सभी संतों की। उनकी भाषा बोलने की अलग हो सकती है मगर अर्थ नहीं बदलता। सुनिए क्या कहते हैं भगवान बुद्ध गाथा नंबर 76 में। निधिनंग वै पवतारंग यंग पस्से वज्ज दस्सिनंग निगयह वादिंग मेधाविंग आदिसंग पंडितंग भजे आदिसंग भज मानस्य सेव होती चे पापियो। इसमें जो बाद में बिंदी लगती है पाली में जिसमें अंग अंग आ रहा है इसको अंग करके पढ़ने की आदत डाल रहे हैं। ये पाली का सिग्नेचर है, ये पाली की जान है। निधि नंग वै पवतारंग, निधि नंग माने होता है, निधि माने होता है खजाना छिपा हुआ, निधि नंग माने छिपे हुए खजाने को, पवतारंग माने होता है कोई कैरी आउट कर लिए निकाल लाए, और वह जो है वह का मतलब एव है इसमें, निधि नंग एव निधि नंग वह, यानी कि जैसे छुपे हुए खजाने को बाहर निकाल लाए। यंग पस्से वज्ज दस्सिनंग, यंग पस्से जो देखे वज्ज दस्सिनंग, वज्ज दस्सिनंग मतलब जो आपके अंदर बुराई को देखे, यानी वो व्यक्ति जो आपके अंदर बुराई को देखे उसको ऐसे समझो जैसे छुपा हुआ खजाना बाहर निकाल लाया। निग्गे है वादिंग मेधावी,
आदि संग पंडितंग भजे। निग्गहंग वादिंग मेधावी, निग्गहंग माने होता है दोष आरोपित करने वाले को, जैसे दोष आरोपित करने वाले को मेधाविंग, मेधाविंग का मतलब है जो बहुत समझदार है, जानकार है। तादी संग का मतलब है वैसे को या उस जैसे को या उस समान, उस दृश्य। पंडितंग भजे, पंडितंग भजे का मतलब है ज्ञानी को संगति करे, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत जानकार है, मेधावी है और जो आपके दोष को निकाल ले, बता दे आपको, जो दोष को बता देता है, ऐसे व्यक्ति की जो बहुत जानकार है, पंडित है, उसकी संगति करनी चाहिए, उसको संगति करनी चाहिए। यानी कि दोष निकालने वाले की जो आपकी निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति मेधावी व्यक्ति होते हैं वो लोग जो आप में दोष निकाल सकते हैं, क्योंकि दोष वही निकाल सकता है जो उसको जानता है, जो जानता है वही कहेगा कि ये कमी है ये नहीं है। जैसे अगर कोई गाड़ी बनाने वाला है, लकड़ी की गाड़ी का पहिया बना रहा है और वो पहिया टेढ़ा बना रहा है, तो जिसने पहिया पहले बनाया है वही बताएगा कि ये पहिया टेढ़ा बन रहा है तेरा, तो इसका मतलब वो आपसे ज्यादा जानकार है, वो मेधावी है। ऐसे मेधावी की जो पंडित लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी संगति करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तादिसंग भज मानस, तादिसंग का मतलब है इस दृश्य से, इस समान, और भज मानस से है, भज मानस से मतलब मनुष्य को भज करना चाहिए, संगति करना चाहिए। सेओ होती ने पापियो, सेओ होती ने पापियो का मतलब है कि यह तुलनात्मक जो पाप है उससे बहुत अच्छा होता है। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं, पापी नहीं होते। ऐसे मनुष्य की आपको संगति करनी चाहिए। आप इसे कुल मिला के ये समझते हैं, ये हिंदी में ऐसा समझ लें कि जो व्यक्ति आप में गलती निकाले उसको ऐसे समझे जैसे छुपा हुआ खजाना निकाल रहा है, वो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानकार होता है, उसकी आपको संगति करनी चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो खराब नहीं होते, पापी नहीं होते, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। अब संत कबीरदास ने कहा, क्या कहा है वो सुनिए, वो और भी ज्यादा मजेदार है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी निंदक नियरे रखिए, अपने नियर क्या रखिए, अपने पास निंदक को जो आपकी कमियां निकालते रहे। आंगन कुटी छवाए, आपके आंगन में ऐसा समझो जैसे कोई छप्पड़ है जो आपको शीतल छाया देता रहेगा, आपको सुख देता रहेगा, क्योंकि वो आपकी कमियां निकालता रहेगा, और कमियां आप में रहेंगी तो वो दुख देंगी, यानी वो तो आपका दुख निकाला है। जो कमी निकाली, आप सिगरेट पीने लगे, आपको कह दिया सिगरेट की पीरे खराब है, आपने फेंक दी तो सिगरेट का पाप बच गया। आपने कोई जानवर को मारना शुरू किया, वगैरह जानवर क्यों मार रहा है, तो वो जानवर मारना बंद हो गया तो आप सुखी हो गए। कोई झगड़ा करने आया तो आपको कह दिया अरे झगड़ा क्यों कर रहा है इसका, तो झगड़ा नहीं किया आपने, तो झगड़ा नहीं किया तो अशांति नहीं हुई तो आप बच गए। या आपने कहीं गड्ढा खोदना शुरू किया तो आपको कह दिया अरे गड्ढा क्यों खोद रहा है, यहाँ पानी भर जाएगा, गिर जाएगा, तो आपने गड्ढा खोदना बंद कर दिया, तो आपकी शांति बनी रहेगी, वो आपसे ज्यादा जानकार है, आपको सुख शांति का छप्पर जो है वो शांति देता रहेगा, आपको ठंडक देता रहेगा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, यानी कि ना तो पानी ही लगा और ना ही साबुन लगा, और आपकी जो काया है, जो स्वभाव है, जो आपका स्वभाव है वो निर्मल हो गया, उसमें कोई मल नहीं रहा, यानी कि आपका जो स्वभाव है वो बढ़िया रहा और ना आपका कुछ खर्च हुआ, वो बोल रहा है आपने मान लिया। तो आपको निंदक को हमेशा, जो दोष निकालने वाला है उसको अपने साथ रखना चाहिए, वो पापी नहीं होता, वो बहुत श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है और आपसे ज्यादा जानकार होता है। तो ये आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे दूध होता है, दूध को आप निंदक मान लीजिए, और जब आप चाशनी बनाते हैं चीनी की, और आप चीनी की चाशनी में अगर दूध को डाल दें कच्चे को, तो क्या होता है, वो जो दूध है वो उस चाशनी के जितने अवगुण होते हैं, जितनी गंदगी होती है, जितना मल होता है, उसके साथ मिल जाता है और मिलके उसको ऊपर ले आता है, और फिर आप उसको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो आपकी चाशनी और शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है। ऐसे ही ये निंदक होते हैं, ऐसे ये दोष निकालने वाले होते हैं, ऐसे ये क्रिटिक होते हैं, ये बड़े अच्छे होते हैं, ये अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं आपको बचाने के लिए, ये बेशक आपके दोस्त होते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा, उनके बाद कबीर ने कहा, और ऐसा ही सब लोग जानते हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए,
या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.